तो भाई जितनी भी वीडियो आपने वैष्णो माता की देखी है, कितना मजा आया, कैसा आनंद आया, और कितना ही मतलब कितनों ने अपने मन में ये महसूस किया कि हम भी दीदी के साथ वैष्णो देवी घूमें, दर्शन कराए। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तो एक क्लिप और भी बाकी है वीडियो की, आगे देखने को मिलेगी मजेदार हमारी वापसी की, देखना, बने रहना। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं और वीडियो की शुरुआत कर लेती हूँ। हेलो जी, राम राम जी, चिंताई मस्त लाइफ में आप सभी का दिल से स्वागत है। वीडियो को पूरी देखना और जो प्यार दिया है इससे थोड़ा सा और ऊपर चढ़ जाओ, प्यार दे दो थोड़ा सा, जिससे हम भी खुश हो जाए कि हमारे भी दर्शन सफल हो गए माता के और आप लोगों के भी सफल हो गए। तो सभी को जय माता दी, कमेंट करके बताना, वीडियो को शेयर करना, ठीक है, सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना, कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो मन मर्जी के ऊपर बात है, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बता देना और अपने पढ़े लिखे होने का सबूत दे देना कि हम पढ़े लिखे हैं, और जय माता दी लिख देना, चाहे भलाए जय माता दी लिख देना, ठीक है। चलो फिर कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। जी यहाँ पे तो ये देखो इतना मस्त नज़ारा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि हमने आसमान को छू लिया नहीं, और बारिश आ रही है खूब जोर की, दर्द पर चल रही है, प्रवचन लाइव चल रही है वैष्णो देवी की अभी, और वहाँ पे भी बहुत से ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज शनिवार इतवार है ना, शनिवार इतवार को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए। वो तो आपने देख लिया और नज़ारा सारा वहाँ से वहाँ तक का, तो मैंने वहाँ पे ब्लॉग एंड कर दिया था, तो मैंने ये भी बोला था कि कुछ और हुआ तो क्लिप मैं करूँगी, या तो आप इसको शॉर्ट ब्लॉग बना लो या कुछ और मान के चलो, नहीं वैसे कर दूँगी मैं ब्लॉग में ही अभी ये, और फिर से शुरुआत करूँगी, ठीक है। ऐसा लग रहा है सातवें आसमान पे आ गए, ये देखो कैसा मौसम हो रहा भाई रे, चारों तरफ ये देखो फोग है, फोग और वो उधर भैरव का मंदिर है जहाँ पे वो चढ़ने लग रही, और चील देख लो तुम्हें, ऐसा लग रहा है जैसे धुआं हो रही है। तो भाई अभी से वापसी की भैरव से उतरने की क्लिप बना लेते हैं, ऐसा लग रहा है सातवें आसमान पे आ गए हैं, ऊपर नहीं जा सकते इससे ऊपर तो फिर भगवान के पास मेरी तो वहाँ पे बैठी हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है वहाँ जाने की, बहुत भीड़ है, और राम जी आने को है कति लीला गच हो रहा है देख लो, वापसी उससे चलेंगे किसे यहाँ से ही टिकट मिलेगी, हाँ हाँ मतलब वो पापा ने पकड़ लेंगे ना, डोएंगे वो पापा, चलो ठीक है, और क्या उतरते टाइम कैसे जाएंगे, अभी भी है ना वापस आ रहे हैं तो भीड़ ही होएगी वहाँ से, पर भीड़ में चोरी कब हुआ, हाँ वही तो कह रही हूँ। तो हेलो जी, राम राम जी, डेंगू की लाइफ में आप सभी का दिल से स्वागत है, वापसी की आने से हम भी जाएंगे, वही वन वही वन, ये तो मेरी है तेरी, किसके बाद इसके बाद ले ले, अब हम भी चलेंगे इसमें। अच्छा ओ ला मेरी रे, मेरी है भाभी की, आपकी नहीं है, अरे भाभी की दे दे, भाभी दो मेरी से है, हम भी इस वायु यान में जाएंगे, चक्कर में आएंगे हम, चलो जी हमारी वापसी इसमें है, अब उतर चुके हैं हम अपने वायुयान से और रुक जाने लग रहे हैं धीरे धीरे, और नीचे दंगा मच रहा है दंगा, ठीक, और दिखाऊं आपको वापसी का भी देख लो, जिसमें धूप निकल आई है और वो टसकते मसकते आ रहे हैं,
आओ, और आने की टिकट लगी हमारी उस वायुयान से सिर्फ 100 रुपए की, 100 रुपए की जाने की, 100 रुपए की आने की। सस्ता ही जुगाड़ है, नहीं बोडे तोड़ो आनते तो ज्यादा अच्छा है। बैरो बाबा के घर से मजा है। अच्छा ये है दरवाजा, अब किधर को जाना है देखियो पीछे का। अच्छा नहीं है कैमरा ये भी नीता करी सनी देखना पीछे का अच्छा है लेकिन आगे का ज्यादा अच्छा है। अच्छा जी जाते टाइम बिना ब्रेक की गाड़ी हो गई और वजन सुनो कितना प्यारा चल रहा है माथा का। बंदर टंकी से पानी पी रहा है बिना ब्रेक की गाड़ी, मस्त मौसम। चलो ये जरूरी नहीं है कि धरती से ही पानी निकले, देखो। और जी ये है बाणगंगा पानी आ रहा। और रात को जब हमने चढ़ाई की ना तो की थी तो तभी ये दिखाई नहीं दे रही थी, ना कोई शोर शराबा कुछ नहीं था पानी का, क्योंकि जो रात को बर्फ पत्थर है कच्चा पत्थर है पड़ती है ना वो सुबह के टाइम, तो फिर जब धूप निकलती है तब ये झरने का पानी बन के फिर ऐसे या तब उठती है बहुत तगड़ी धारा पकड़ दी पानी की, और इतना शोर शराबा था पानी का पति जैसे कि पता नहीं क्या चल रहा हो तूफान सा। रात को क्या दिख रहा था, जब वापस आए ना तब उसी टाइम में इस पे नजर पड़ी, तो मैंने सोचा लो थोड़ी सी क्लिप बना लेती हूँ बाणगंगा की। और नाना तो हुआ नहीं बाणगंगा में उतरने के बाद, क्योंकि सब अलग अलग हो गए थे सारे इकट्ठा होने वाले, हेलीकॉप्टर आ गया, कपड़े वगैरह भी हमारे सर के ऊपर से चला गया ये तो है, ऊपर से दिख रहा था एक ही वो एक आ रहा है एक जा रहा है। चलो भाई अर्धकुंवारी तक हमारा कितना क्या होता है सफर, वो कितनी देर में आएंगे सर नहीं आ रही है। ये देखो कितना तगड़ा झरना ऊपर से बह के आ रहा है, और जाते टाइम रात को नहीं दिखाई दिया था और अब दिखाई दिया है, इसी का शोर हो रहा था रात में पानी का। देखो है ना कितना पानी, अरे मजे से नहा रहे गोता लगा रहे। ये थी नहाने की जगह मस्त वाली, नीचे जाके वीडियो बना के लेना था लेकिन अब जाए कौन नीचे, इतनी गुंजाइश थी जो मैंने बना ली। अब चलो चलते हैं सुनवाई का ढूंढने, निकलो निकलो निकलो, रुकते ही गोटे जवाब दे देते हैं। मैं तो आ चुकी हूँ वापस कटरा, और वो रह गए पीछे, मैं भगी थी शिनोए के लिए। और जी अपने रूम पे आके वो लोग का एंड नहीं कर रहा था और ना किसी ने दिखाया था, और यार देख के कि डाई बैठी है बांध कर सर के चुन्नी। राम राम जी, थक गए बुरी तरह से, जय माता दी। आका नहीं से पड़ गए ना तो एक एक बोतल का लगा लगा पैक पी कर सो गए, अजीब लग गई सब क्या है कड जचा। तो आज के ब्लॉग का कर लेते हैं यहीं पे एंड, और कल किस टाइम का वो है जाने का प्रोग्राम वो कल ही बताएंगे आपको। तो ठीक है बाय बाय, हमारे तो दोबारा गुड नाइट होने वाली है, ये आओगी नींद बने।